देख आखिरी बार तो बोलना बनता है। तो फील गेम फैमिली एक फाड़ू एक्शन गेम जिसका नाम है मैड मैक्स, उसके सातवें और लास्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इन केस आपने याद है कि कोई भी एपिसोड मिस कर दिए तो टेंशन कोई नहीं, उन सभी एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप फटाफट करके सारे एपिसोड देख लीजिए, ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है और यहाँ तक का जितना भी गेम प्ले वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। और अभी मैं आपको जल्दी जल्दी याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में मैक्स ने डेथ रेस को तो जीत लिया था, लेकिन उसको V8 इंजन इनाम में देने के लिए और कोई नहीं बल्कि वेस्टलैंड खतरनाक वॉरलॉर्ड स्क्रैपस क्रोटस आया, जिसके दिमाग में आरी घुसेड़ दी थी मैक्स ने, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और वो ये V8 इंजन देने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो मैक्स को मारने के मूड में है। तो एक बार उसको मैंने फाइट में हरा दिया था, लेकिन वो एक बार और आ गया है फाइट करने के लिए। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आज का एपिसोड कितना भी लंबा हो आज इसको खत्म करने वाले, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग गेम के एंड में। और इससे पहले मैं आज के एपिसोड स्टार्ट करूं आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि लाइक एकदम फ्री का होता है भाई, तो इसलिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को एकदम फटाक से लाइक कर लो। और अगर आपको अलग अलग जॉनर की गेम पसंद है, एक्शन हॉरर और भी अलग अलग टाइप की गेम्स और न्यू गेम्स और पुराने गेम्स, तो अगर आपने अभी तक फेल गेम 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर डालो भाई, आज का दिन बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। अच्छा इस बार देख रहे हो अपने वेपन में आग लगा के आया है। ये चुक माय कार, योर कार। No, my car, my land, oh, it's mine. ये स्कूटर्स का डाइट पता करना होगा भाई, खाता क्या है ये, मार रहा उसको, ये हिल ही नहीं रहा है। बस कर दिया ना चिटिंग, मैक्स से अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं, इसलिए अपने चमचों को भी बुला लिया है, पर कोई फायदा नहीं है, बचेगा तो फिर भी नहीं आ जा। पहले इस स्क्रूटस के गुंडों को मारना होगा, उसके बाद इसको मार सकते हैं, पता है। सही टाइम पे फ्यूरी आया, अब देखो इसका क्या करता हूं मैं। ये अच्छा था गुरु भाई, तीन पंचेस मुंह में, घुटना, मैक्स मार इसको। देख लो कर दिया फिर चीटिंग, वो जो स्टैंग गम नहीं है इसका आदमी जिसको रेस में हराया था, वो अभी भी जिंदा है और मार दिया तीर मेरे को। You're not gonna die on me, champion. Not yet. You'll get well, and when you do, I got another for you. Yes, my child. You will help me get her back as soon as I get you fixed up. Stand up. Who there? You're too strong to break now. Who are you? Abdominus, organic mechanic. My champion. He's wounded. Or you'll end up more of a mess than him. Let's get him to the chair. तो इस लड़की होप को ये होप है कि मैक्स का ये इलाज करवा देगी, तो उसके बाद मैक्स इसकी बेटी को बचाने में मदद करेगा। ओके, और वो स्क्रोटस बोल रहा था कि देखो तुमने मेरा क्या हाल किया, तो मैक्स बोला कि तूने मेरी कार ले ली, तो वो बोलने लगा तुम्हारी कार, ये जमीन मेरा है, यहाँ पर जो भी कुछ आएगा सब मेरा है, यानी तुम्हारी कार भी मेरी हुई, ये क्या है। मेरा डॉगी इंसान कैसे बन गया। There's someone you should meet. Who? It's someone from before. The name you dog eater. There now, Dinky Dee, huh? We're all friends here, huh? Friends of him. Yes, only he doesn't want to know about it, huh? Too afraid of the ghost. I just don't want any friends. Bit late for that, buddy.
ये ऑब्वियसली मैक्स सपना देख रहा है और इसके जितने भी दोस्त बने हैं वेस्टलैंड में सब इसको नजर आ रहे हैं। और हालांकि मैक्स बोल रहा है कि मुझे दोस्त नहीं चाहिए, लेकिन टिंकी डी बोल रहा है कि बहुत लेट हो गया, अब तो तुम्हारे दोस्त ये लोग बन गए हैं, होप, टिंकी डी और चंबके। You have no right to hide in here. You have no right to cut yourself off just because you lost us. You will do it again, husband. And this time you'll do it right. Do you, crazy-eyed road warrior, take this wasteland concubine to be your lawfully wedded wife? I do. तो सपने में मैक्स ने होप से शादी भी कर ली। And now your blood nourishes the weak. My blood! May it burn through your veins and scorch your soul! Pay us my payment! Yeah. Go on, get out! Get out now! Where is she? The woman? A concubine. Out there, in the underbelly. You owe her a life! Don't know why she cares for a shit sack like you! Keep walking, blood leech! तो कटसीन में साउंड थोड़ा आगे पीछे हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ गया और ज्यादा बड़ा कटसीन नहीं था, तो कभी कभी ग्लिच हो जाता है। तो ये जो डॉक्टर टाइप का था ना, ये स्क्रोटस के लिए काम करता है और इसको वो होप ने धमकी दी थी कि अगर मैक्स का इलाज नहीं किया तो तुम्हारी हालत मैक्स से भी बदतर कर दूंगी, इसलिए इसने ना चाहते हुए मैक्स का इलाज किया। और जिसका खून ये मैक्स को दे रहा था ना, वो बोलने लगा कि मेरा जन्म हुआ था महान काम करने के लिए और मरने के लिए एक जंग में, लेकिन ये डॉक्टर टाइप का बताने लगा कि नहीं, कि तुमने स्क्रोटस को निराश किया, इसलिए वो तुमको बांध के रखता है, जो घायल हुए हुए उसके लोग हैं उनको खून दिलवाने के लिए। तो चलो होप को ढूंढते हैं, कहां है वो। तो ये पूरे एरिया में मैं भटक गया था, लेकिन कोई नहीं, होप मिल गई है। The prize. Where is it? If you help me. My daughter. You gave me the chance to free her once. She ran, aided by the old man. I never helped you. Don't. I see what's behind the crazy in your eyes. I will help you find what you seek. And then you will bring me my child. The big chief. I need it. Now. Through here. In Stankum's garage. You'll have to drive it out of there. I'll find you after. And you will do right by me. Now go! तो वो बता रही थी कि स्क्रोटस पूरे वेस्टलैंड को तहस नहस कर रहा है मैक्स को ढूंढने के लिए और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मैक्स ने बोला कि मैं जीत गया हूँ और मुझे वो V8 इंजन चाहिए, तो बताओ कहाँ है। तो ये बोलने लगी कि अगर मैं तुम्हें V8 इंजन दिलवा देती हूँ तो तुम मेरी बेटी को बचाने में मदद करोगे, क्योंकि तुमने पहले भी मदद करी थी और मेरी बेटी इसलिए भाग पाई। पहले याद है ना कैसे मदद की थी, मैक्स ने इसको पंखा दे दिया था, वो ब्लेड वाला पंखा। तो वो जो बिग चीफ गाड़ी है वो स्टैंगम के गैरेज में रखी, वो उठाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद होप के देखते हैं कैसे मदद कर सकते हैं। मैक्स को जब से लास्ट एपिसोड में अपग्रेड किया ना, इनको मारना आसान हो गया है। तो एक काम करेंगे, ये फाइनल मिशन से पहले मैक्स को और अपग्रेड कर लेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ कार को अपग्रेड किए जा रहे थे और अब कार लगभग ऑलमोस्ट अपग्रेडेड ही है, तो मैक्स को अब ज्यादा से ज्यादा अपग्रेड करेंगे, ठीक है।
बेवकूफ बोल रही थी कि भले ही तुम दुनिया को अपनी ये पागल वाली आंखें दिखाकर बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारी ये आंखों के पीछे एक दर्द छुपा हुआ है और तुम मदद करोगे हमारी। और मैक्स ने भी अपनी बीवी बेटी को खोया था, तो ये होप और उसकी बेटी को एक तरह से मतलब सोच रहा है कि इनकी अगर मैं मदद कर देता हूँ तो अपनी बीवी बेटी की मदद तो नहीं कर पाया लेकिन इनकी मदद कर दूंगा। तो ठीक है, देखते हैं। ये क्या लगता है, V8 इंजन इतनी आसानी से मिल जाएगा? पूरी उस कार से निकालना होगा उस इंजन को, पता है? तो लगा तो नहीं था, लेकिन स्टैंग गम की वो कार जिसके अंदर इंजन लगा हुआ है वो सामने ही रखी, बस इनको मार के हराना है। मैक्स के एक्शन करने के बाद मुझे पता नहीं क्यों फिर से बैटमैन आर्कम नाइट खेलने का मन कर रहा है। उसमें बैटमैन और दर्दनाक टाइप से मारते थे, याद है? बस ये नहीं करना चाहिए था, और सही टाइम पे फ्यूरी भी आ गया है। हार्ड यार, फ्यूरी जैसी है, ये लोग खत्म हो गए। तो स्टैंग गम की जो ये कार है बिग चीफ, उसको नीचे लेके आना है और निकलना है यहाँ से। लेकिन उसको तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ये अब काम करेगी? तो इसमें से इंजन निकाल के लेकिन लगाएं कैसे, क्योंकि मेरी जो कार है वो पता नहीं कहाँ है। तो ऐसा है कि जनरेटर में तेल नहीं, मुझे लग ही रहा था कि इतनी आसानी से ये लोग कार ले जाने देंगे नहीं। जैसे ही मैं तेल लेने जाऊंगा आई थिंक वो स्टैंग गम आ जाएगा, क्योंकि वो अभी तक जिंदा है। तो फ्यूल का कंटेनर जहाँ पे रखा हो वो दरवाजा बंद है, इसलिए देखते हैं ऊपर से। हाँ, ऊपर से तो जा ही सकते हैं, जम करके जाना होगा। यहाँ से इतनी ऊंचाई भी तो नहीं है, यहाँ से कूदेगा मैक्स तो मरेगा नहीं ना? हाँ, मरा नहीं, मरा नहीं। कार चलानी, अरे इसकी खतरनाक गाड़ी भाई, इसमें अच्छे अच्छे वेपन्स भी लगे हुए हैं। अरे बढ़िया, तो डीप फ्राई की स्टॉप रोड तक इसको ले जाना होगा सही सलामत, मतलब ब्लास्ट नहीं करनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। वहां पर जो अपना चंबू है इसमें से इंजन निकाल के अपनी कार में लगा देगा, यानी कि V8 इंजन। एक मिनट, इसमें कुछ वेपन भी लगा हुआ है, साइड बर्नर। ओ, वो याद है जब इससे फाइट कर रहे थे तो दोनों साइड से ये आग फेंक रहा था। देखिए भाई इसका यूज, ओ हो, ये लग रहा है घोस्ट राइडर की कार है, पता है? अच्छा, इतनी कार दिख रही है और मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कार भी है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, सबकी कार डिस्ट्रॉय करके वो स्क्रैप उठा लूँ क्या? बाद में तो काम आएगा अपनी कार को अपग्रेड करने में, क्या बोलते हो? ये उस मनु स्टैंक गन की कार है लेकिन पावरफुल, पता है? देना
लेकिन ज्यादा देर मेरे सामने टिका नहीं था याद है, क्योंकि मैं उसको पीछे से लॉन्चर मारे जा रहा था, वो अलग बात है। लेकिन ठीक, इसकी कार है पावरफुल, जितने भी स्क्रैप्स हैं सब उठा लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे वहां स्ट्रॉन्ग होल्ड में, क्योंकि काम खत्म करना है और अभी बहुत काम बचा हुआ है। दो भाई दो, सारे स्क्रैप्स दो, और अब मैं कार से ज्यादा अपग्रेड करूंगा मैक्स को, क्योंकि कार तो अब ऑलमोस्ट ठीक ही है, प्लस कि अब इंजन भी लगा लेंगे तो और ज्यादा अपग्रेडेड हो जाएगी, तो करेंगे एक आध अपग्रेड अगर कर पाए तो करेंगे, लेकिन मैक्स पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि उससे फाइट करना है ना स्क्रूटर से। अच्छा गाड़ी है लेकिन बहुत स्लो। बहुत मस्ती कर ली, अब डीप फ्राई के पास जा रहे हैं, रुकेंगे नहीं कहीं भी, लेकिन हाँ सामने कोई भी दिखते रहा तो उसको उड़ाते हुए जाएंगे। गैंग्स ऑफ वसीपुर का मुझे डायलॉग याद आ गया, इतना बॉम्ब मारेंगे कि धुआं धुआं कर देंगे। देखो भैया पूरा धुआं धुआं कर दिया है, ऐसे ही यहाँ पर कम धुआं हो रखा है, बादल तक काले हो रखे हैं यहाँ पर। अच्छा मस्ती करते करते मुझे दिखाई नहीं किसकी गाड़ी को आधा मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन चलो पहुंच ही गए, क्या दिक्कत है। उम्मीद कर रहा है कि चंबू मेरी कार के साथ यहीं पर है। हाँ हाँ यही है, पर मेरी कार कहाँ है? Yes, it's true. I'll bring it forward to the launcher of the slowly afterlife. She's gonna remain away. The big chief. Don't get too excited. We need to get the hell out of here. Oh, yes, yes. It's Scrotus, the immortal. He ransacked the pueblo. Yeah, but he thinks he's going to dismantle you piece by piece. I wed the big chief to the angel in a rev, and then we'll see! Ah, yes. मैक्स तो थ्रोन पे राजा की तरह बैठ गया है। अच्छा वैसे स्क्रोटस ढूंढ रहा है अपने को, और उसका जैसा चंबाकट ने बताया कि उसने बोला है कि वो पीस बाय पीस करके काटेगा मैक्स को। अच्छा तो मेरी गाड़ी सामने खड़ी हुई और लग तो रहा है देख कर कि V8 इंजन फाइनली लगा दिया है तो निकला जाए वेस्टलैंड से। तो यही है वो V8 इंजन जिसके लिए 6 एपिसोड और इतनी मेहनत लगा दी, मिल गया फाइनली। Just like everyone else. A husk, an empty shell. You're nothing! Hey! Where is the child? She'll know this. Tell her to trust you. Tell her Mama Hope is waiting. Here. She'll be here. That's where the old one brought her. This desert dweller with his cloak and his staff. He'll kept her safe. Tell her she is Glory. Her name is Glory.
up in glory. Geert. चलो भाई, मैक्स का तो घर बस गया, मैं खुश हूं. I never asked you your name. Max. My name is Max. तो होप यहाँ आकर मैक्स बोलने लगी कि देखो मैंने तुमको V8 इंजन दिलवा दिया, अब तुम्हारी बारी अपना वादा पूरा करने की. तो मैक्स बोलने लगा, बारी कौन सी बारी, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था. तो होप गुस्सा गई और बोलने लगी कि मैं गलत थी तुम्हारे बारे में, तुम भी यही के लोगों के ही जैसे हो, यानी कि खाली हो अंदर से खोखले. पर मैक्स जाने से पहले वापस आया, बोला कि बताओ कहाँ है तुम्हारी बेटी और मैं उसको कैसे बचा सकता हूँ. तो होप ने बताया कि इसकी बेटी को बचाने में एक बूढ़ा आदमी इनकी मदद कर रहा है, उसी के साथ इसकी बेटी है जिसका नाम ग्लोरी है. और होप ने एक खिलौना दिया मैक्स को, बोला कि ये मेरी बेटी को दिखाना, तब वो तुम पे भरोसा करेगी और तुम्हारे साथ मेरे तक आ जाएगी. तो अब उसको चल बचाते हैं. Two big fuel tanks to go in the back for the drive across the plains of silence. But that's not part of the design. Where will I, faithful chum bucket, go? Where do I fit? Say. तो जहाँ चंपकेट बैठता है वहाँ पर मैक्स का प्लान है कि दो बड़े फ्यूल टैंक लगाएगा ताकि प्लेन ऑफ साइलेंस तक जा सके. तो चंपकेट बोल रहे कि क्या बात कर रहे हो तुम, मैं कहाँ जाऊँगा. Would never leave the Magnum Opus. The sooner we find this old man and the girl, the sooner we leave. You keep your eyes peeled. चंपू मना कर रहा है ये ग्लोरी को बचाने के चक्कर में तुम बहुत खतरा मोल ले रहे हो, मैग्नम ओपस भी खतरे में आ रही है. मैक्स ने बोला कि मुंह बंद रख और पहले इस लड़की को बचाते हैं. Saint. It's not a good place. The old man. As she said, the child's keeper. Was its keeper? Huh? This is honorable work, yes. But to do good, it's best to be alive. No, every second here, we risk everything. We're close to the Underdune. She's down there. That's what I'm saying. This is Buzzard Land. Finally, you see, we got a burn. Light it up. तो जो बूढ़े आदमी के साथ होप की बेटी ग्लोरी थी, वो बूढ़ा आदमी मरा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि उसको बजर्ड्स उठाकर ले गए. और ये बावले बजर्ड्स को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, उनकी आंखें लाल लाल हैं और नीचे छुप के रहते हैं, थोड़ा जॉम्बी टाइप का बिहेव करते हैं और लगते भी जॉम्बी ही तरह के हैं. एक बार फिर से अंडरग्राउंड जाना होगा और इस बार ग्लोरी को बचाने के लिए. और ये चंबू बड़ा परेशान हो रहा है, बोल रहा है कि नहीं नहीं मत लो खतरा, लेकिन मैक्स सारे खतरे लेने के लिए तैयार है. और चंबू को बोल रहा है कि जितना जल्दी इस बच्ची को हम लोग बचाएंगे उतना जल्दी हम लोग निकल सकते हैं प्लेन ऑफ साइलेंस के लिए. वैसे हम लोग नहीं, मैक्स तो दो फ्यूल टैंक रखने वाला है पीछे. तो चंबू को लगता है कि लात मार के निकाल देगा. मैक्स को अपग्रेड भी कर लिया, लेकिन फाइनल फाइट से पहले और ज्यादा अपग्रेड करना होगा, पता है. तो ये जो टायर के निशान बने हुए ऐसे मैप में तो दिख ही रहा है, लेकिन ये टायर्स के निशान को फॉलो करना है तो पता चले कि ये बजर्ड्स ग्लोरी को कहां लेके गए. मुझे पता है बुरा लग रहा है, गाड़ी को इतना अच्छा कर लिया, पूरा टीम का डब्बा 5 एपिसोड में चलाया और बस गाड़ी को अपग्रेड किया है और अब खत्म होने वाला है ये 5 एपिसोड में. तो ठीक है, पूरा यूटिलाइज करेंगे भाई, जितना लंबा सफर कर पाए करेंगे. That must be it. The Underdome. We came here before and almost found our graves to tempt fate like this, say, to abandon gospel for luck. It is to beg for slaughter. Praise be the king. Buried again in this catacomb. Nothing to do but roam around until, by chance, they spew We're us here out. For the child. But why? Why?
buzzards use children to dig around for loot. They're called diglings. Where are they keeping? Oh, deep in the gloom of their horrible tunnels, I'd wager. तो जम्बू का कहना है कि लास्ट टाइम जब यहाँ पर आए थे हम लोग तो ऑलमोस्ट रिस्क कब्र में दफन होते होते बचे थे, तो किस्मत के साथ बार बार ऐसा खेल खेलना जरूरी है क्या? इतना रिस्क हम लोग काय को ले रहे हैं? और जम्बू बता रहा है कि ये बजर्ड्स बच्चों को टनल्स के अंदर भेजते हैं ताकि टनल के अंदर जो लूट रखा हुआ है वो लोग ले सके। अच्छा, इसलिए ग्लोरी को उठाया है। तो ये बच्चों को बजर्ड्स एकदम अंडरग्राउंड में रखते हैं वहाँ टनल्स के पास। ओके, तो वहां तक जाना होगा अपने को। जम्बू जल्दी जल्दी गाड़ी रिपेयर कर दो क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे कोई गाड़ी वाली फाइट होगी। पूरा फुल रिपेयर करके रख। I'm going along. Wait here. But keep alert. Understood. तो जम्बू संभाले गाड़ी को, यहाँ से मुझे अकेले अंदर जाना होगा और नीचे जाना होगा, ठीक है? और यहाँ पे पानी भी भरने का दे रहे हैं, यानी कि पक्का अंदर कांड है। तो ये लग रहा है कि पूरा लिफ्ट नीचे जाएगा टूट के। मैक्स थोड़ा संभल के भाई। याद है ना, बजर्ड्स छुप छुप के देखते रहते हैं, अचानक से हमला करते हैं। तो जो स्क्रैप्स मिले लेते चलो मैक्स को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि अब कार को मुझे नहीं लगता कि उतना अपग्रेड करने की फिलहाल जरूरत है, क्योंकि फ्यूल टैंक रखने वाला अपग्रेड मैं नहीं कर सकता, वो स्टोरी मोड में मैक्स खुद ही करेगा, क्योंकि ऐसा कोई अपग्रेड दिया नहीं है जिसमें मैं फ्यूल टैंक को पीछे रख सकूं। तो पता नहीं मैक्स फ्यूल टैंक चुनेगा या फिर ये चंबू को लेके जाएगा प्लेन ऑफ साइलेंस में, वो तो कुछ देर में ही पता चलेगा। Fine. Stay with the car. I'm going back to deep fryer. Jump back in. He's gone. Gotta go deeper if I want to find these diglings. तो नीचे जब लिफ्ट से गिरा मैक्स तो वो चंबू पूछने लगे कि मर गया हो क्या सर? तो इसने बोला कि नहीं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, तुम गाड़ी के पास ही रहना। लेकिन उसको बजर्ड्स नजर आए इसलिए वो चंबू गाड़ी लेके भाग गया है डीप फ्रायर के स्ट्रॉन्ग होल्ड में। तो अब यहाँ से वापस कैसे जाऊंगा मैं यही सोच रहा हूँ, लेकिन उससे पहले फटाफट अपग्रेड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो फाइट होनी ही है। अच्छा, जो लास्ट अपग्रेड है पूरे इस गेम का उससे सिर्फ एक पीछे है, तो आई थिंक इतना में तो आराम से एंड कर लेंगे। फटाफट से ग्लोरी को ढूंढते हैं फिर निकलेंगे यहां से। लेकिन ये चंबू गाड़ी लेके भाग गया यार, यहां से जाएंगे कैसे? मैं ये सोच रहा हूं, या हो सकता है कि गाड़ी लेते आए वापस। इस बार ही ना लास्ट टाइम से ज्यादा अंधेरा है, फ्लैशलाइट भी उतनी काम नहीं आ रही है। तो दो रास्ते नीचे ऊपर, तो एक काम करते पहले नीचे चल के देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर आई थिंक यहाँ ब्लॉक ही लग रहा है, ऊपर ही जाना होगा। तो नीचे सिर्फ स्क्रैप रखा होता, अच्छा कोई नहीं, चलो गेम एंड तो ऑलमोस्ट होने ही वाला है, मतलब ग्लोरी को बचा लिया तो स्क्रैपर्स आएगा फाइट करने जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन स्टैंगम भी तो जिंदा है। Safe now, kid.
तो ये तो पजल्स का स्टार्टर पैक था, सिर्फ इतने ही थोड़ी होंगे, अब इसके अलावा भी और आएंगे पता है। तो ग्लोरी को टनल के अंदर भेजा था इन लोगों ने लूट उठाने के लिए, लेकिन वो आई थिंक तो उस साइड चली गई। तो ये कुछ जो गिरने की आवाज आई ना, उसको जाके इन्वेस्टिगेट करना है कि कहां से आवाज आई। ये बजर्ड्स के पास आने के बाद ऐसा लगता है कि एक्शन नहीं हॉरर गेम खेल रहा हूं। Whole place caved in. Gotta be another way to get to her. तो टनल की उस साइड तक पहुंचना होगा अपने को पहले। His name is Hope. She's got red hair. She calls you Glory. Mom alive? She is. She's waiting for you. तो ग्लोरी को बता दिया मैक्स कि उसकी मॉम जिंदा है और ये लास्ट ऑफ अस की मुझे याद क्यों दिला रहा है। लेकिन बजर्ड्स भी आ रहे हैं और चंबू गाड़ी लेके भाग गया है गलत टाइम पे। ये अच्छा है, इसको मार किसकी गाड़ी उठा सकता हूँ, क्या बोलते हो? Stay here. I'll stay. तो ग्लोरी को वहां सेफली बैठा दिया, पहले इन सबको मारा जाए फिर इन्हीं की गाड़ी लेके जाएंगे। अच्छा ये बॉस फाइट है। सही टाइम पे फ्यूरी आ चुका है, फड़ादड़ इसके आदमियों को पहले मारा जाए। अरे हट, पकड़ना पकड़ना नहीं यार। वो तो अच्छा, वो आर्मर अपग्रेड कर लिया, इसकी हेल्थ एकदम इतनी इतनी सी जा रही है। तो अब इसको देखते हैं कि मारना कैसे। ये देख लो, कहीं तो टकराने का कुछ होगा पंचेस से, क्योंकि मारने में बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, एक आध गोली मार के देखता हूँ इसको। हाँ, ये कांटे में इसको ले जाके अगर ये दौड़ते हुए आएगा तो कांटे में टकरा सकता है। तो ये कांटों की तरफ जा रहा नहीं, इसकी गाड़ी में बैठ के उड़ा दूं क्या इसको? पर गाड़ी में बैठने का ऑप्शन आ रहा नहीं था, एक बार फिर से चेक कर ही लूंगा। इसी के आदमी का वेपन इसको तोड़ेगा। अच्छा, ये कांटे वाले बोर्ड्स भी लगे हुए, एक बार और ट्राई करता, नहीं तो फिर ना हाथी। अरे ये लोग कहां से आ गए, ये उछलू कूदू यार। Hey!
बहुत अच्छे टाइम पे आया है, इसका खेल खत्म है। ये जैकेट अपग्रेड करवाने के बाद तो मतलब देख रहे हो इतना इसके स्ट्राइक्स लगा है, वो भी उसके इतने बड़े डंडे से, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी आधी ज्यादा हेल्थ बची है, गोली से इसको कुछ नहीं होता है पता है। ऑप्शन आ गया था, मतलब ई वाला जो लास्ट में ऑप्शन आएगा ना, इससे मरे आएगा। एक बार और इसको सही से पंच मारना है, खत्म ही है इसका खेल। तो इसके डील डॉल से तो लग रहा है कि ये बजर्ड्स का मेन बॉस था। हाँ, ग्लोरी वो लोग मर गए हैं, लेकिन धड़ाधड़ इनको मैं लूट लेता हूँ, उसके बाद निकलेंगे यहां से। ये मैक्स को मुझे पहले ही अपग्रेड करवा लेना चाहिए था, लेकिन कार मेन तो कार का काम था स्टार्टिंग से। आज के एपिसोड में ऐसा लग रहा है कि मैक्स ज्यादा फाइट कर रहा है, कार की फाइट तो अभी तक एक बार भी नहीं की, और जो की थी वो बिग चीफ से करी थी, याद है। तो ग्लोरी को बैठा लिया है कार में, बस अब इसकी मॉम तक इसको पहुंचा देंगे और उसके बाद फिर शहर छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अभी तक स्क्रैपर्स को मारा नहीं है और पहले यहां से सेफली निकलते हैं। Yes. तो मैक्स ने इसको बता दिया कि हाँ तुम्हारी मॉम तक लेके जा रहा हूं मैं तुम्हें, और मैक्स को अपनी बेटी याद आ रही होगी। नहीं, चांस ही नहीं है कि ये लोग इतनी आसानी से जाने देंगे। लास्ट टाइम यहीं पर ना कूद कूद क्या, अरे कोई नहीं आ रहा है, कुछ तो झोल है। The old man with the star. Hey, your papa. He was an old man, and he was friend to me. No, daddy. Why does your mama stay behind? Only me and the thin man could get out of the cage. Using the fan to open it. Smart. But why the underdog? Mama had a scratchy map. A safe place with food. And when we came, Buzzer was already there. The man was killed. You did good. Survive. मैक्स पूछ रहा था कि वो बूढ़ा आदमी जो तुम्हारी मदद कर रहा था वो तुम्हारा पापा था क्या? तो ग्लोरिन ने बोला कि नहीं, मेरे पापा का मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है या जिंदा है भी या नहीं। वो बूढ़ा आदमी सिर्फ हमारा दोस्त था और हमारी मदद कर रहा था, और जो मैक्स ने पंखा नहीं दिया था उसको, उसी से केज खोलकर बेटी को और वो बूढ़े आदमी को निकाला था। ये लोग आ गए। तो ये गाड़ी भी अपने कलेक्शन में ऐड होने वाली है, और इस गाड़ी में माइंस लगे हुए। ओहो, और अच्छी बात ये कि अनलिमिटेड माइंस है, मतलब अभी तो अनलिमिटेड है फिलहाल। मेरे आगे जो गाड़ी निकल गई है वो भी माइंस फेंक रही है, उनसे बच के उसके आगे निकलना है ताकि मैं उसके आगे माइंस बिछा पाऊं। भाई ये आगे माइंस फेंकने का कोई रास्ता नहीं है क्या? अनलिमिटेड माइंस दिया तो मैं कंटिन्यूअसली फेंके जा रहा हूं, जो भी पीछे गाड़ी लगी हुई है कभी ना कभी तो फटेगी। That's where Mom is at. Gas Town? Gas Town safe? No. Why? That's just the way it is. तो वजर्ड्स की जो गाड़ी पीछे लगी थी उनको ब्लास्ट कर दिया, और मैक्स दिखा रहा था ग्लोरी को, देखो सामने जो गैस टाउन है ना, तुम्हारी मॉम होप वहीं पर है। तो ये पूछने लगी कि गैस टाउन तू वहां पर क्यों है मॉम, वो सेफ जगह है क्या? तो मैक्स ने बोला कि सेफ नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, हर जगह ऐसा ही है,
तो अब रहने के लिए तो कोई सेफ जगह है नहीं, तो चलो वहीं तक लेके जाना है इसको। ये पूरे वेस्टलैंड में सबसे ज्यादा डेंजरस जगह यही है, गैस टाउन। Are you going to stay with me and my mama? No. Why? You can be three. You can be father. No. I travel alone. तो ग्लोरी बोल रही थी कि तुम मेरे और मॉम के साथ रहो और तुम मेरे पापा बन सकते हो, और मैक्स सोचने भी लगा इस बारे में, लेकिन फिर बोला कि नहीं, मैं अकेले ही ट्रैवल करता हूँ। Here we are. We made it. So, I get to see Mama? तो एंडिंग के बहुत ज्यादा करीब, बस अब स्क्रैपर्स का नंबर है। चलो अब यहां से निकला जाए। अच्छा पता है, बहुत देर से मैं चंबू और अपनी कार को ढूंढ रहा था, तो मेरी कार मिल रही है ना चंबू मिल रहा है, और ये लोग पता नहीं क्या गाना गाए जा रहे हैं तेल लेने के। भाई मेरी कार कहाँ है, ना बाहर निकलने का ऑप्शन आ रहा है। वो चंबू ने तो बोला था कि वो यहीं आ रहा है, भाई कहाँ चला गया वो? उसको स्क्रैपर्स ने पकड़ लिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई किसी ने देखा है क्या उसको? यहीं ना रखता था मैं अपनी कार। एक तो एक घंटे से ये लोग आ कर करके अलग दिमाग की दही कर रहे हैं, और ऊपर से कोई आ भी नहीं रहा है। चंबू कहाँ चला गया है तू? मेन मिशन भी नहीं दिखा रहा है, जाना का है। मैं गाड़ी यही रखता हूँ, यहाँ पे देखते हैं उससे बात करते हैं, वो लगता है लीडर है यहाँ का। कौन? Where is he? Where's the car? Hey! Be still! My fingers ain't dirty, you're working. Where's the hunchback? Where is he? Where is the car? I don't know. I heard he said he was taken to where it was born. He said he cared about it. He raged about that wagon like he was raging about some fine dame. The ship. You let him go. No. You let this happen. It's no affair of mine. It is now. I need your fastest machine. It's yours. Take what you need. Your machine is gone. You were betrayed. So what? Stay with us. Make a life. When are you going to have another chance? It's a present. For you. तो ऐसा है ना कि चंपू ने कर दिया अपने साथ कांड और धोखा दे दिया। तो गाड़ी लेकर अभी मैक्स निकल जाता प्लेन ऑफ साइलेंस के लिए, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग होल्ड का जो लीडर था, वो जो मिला नहीं है, जिसका चेहरा जला हुआ था और सर पे पता नहीं गैस टैंक लगाया हुआ था उसने, उसका नाम डीप फ्राया, तो उसका गर्दन पकड़ा मैक्स ने, बोला कि बता कहाँ है वो, तो उसको पिटना नहीं था मैक्स, इसलिए उसने तोते की तरह बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, चंबू तुम्हारी गाड़ी ले गया है। और वो बोल रहा था कि इस गाड़ी का जन्म जहाँ पे हुआ है वहीं पर ये इसको लेके जा रहा है। यानी कि याद है जब स्टार्टिंग में जो शिप में जो गैरेज लगा हुआ था, यानी जो चंबू का अपना गैरेज था, वहीं पर मैग्नम ओपस को ले गया है। और वही मैक्स सोच रहा है कि इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और होप और ग्लोरी ने मैक्स को रोकने की कोशिश की, और वो बोलने लगी कि ठीक है ना, तुमको धोखा देकर तुम्हारी गाड़ी वो चंप बकेट ले गया, लेकिन अब तुम यही रहो हमारे साथ और परिवार बन के रहो, तुम हमें सेफ रखोगे। लेकिन मैक्स के बारे में इतना पता चल गया कि मैक्स अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो फिर से हर्ट नहीं होना चाहता। एक बार ये अपने परिवार को खो चुका है, तो अगर किसी और को अपना परिवार मानेगा तो उनको खो दिया, तो उस चीज से दोबारा नहीं गुजरना चाहता है मैक्स, इसलिए उनको वहीं पे छोड़ दिया है। और अभी चंपू को पीटने जा रहे हैं हम लोग, उसको पीटने का मन तो नहीं है, लेकिन धोखा दिया है तो एक आध पंच तो मारना पड़ता है।
और मैग्नम ओपस को इतना अच्छा बना लिया था, लेकिन किस्मत का खेल देखो, गेम खत्म होने वाला और इतनी सड़ी हुई गाड़ी मेरे को मिल गई है। पता नहीं ये चंपू गाड़ी लेकर अकेले भागने के चक्कर में है क्या। ये मैक्स ने इसको बोला था ना कि मैं फ्यूल टैंक रखने वाला हूँ, इसलिए तो धोखा नहीं दे दिया। सोचने लगा हुआ कि मैक्स मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे रहा है, तो इसको पहले मैं धोखा दे देता हूँ। अच्छा, हो सकता है मे बी। चलो यहाँ से पानी भर लेते हैं। गलत टाइम पे ये कार्स मेरे पीछे लग गई, अभी तो कार वाली फाइट भी नहीं कर सकता। जल्दी से पानी भरता हूँ भाई, निकलता हूँ यहाँ से। चंबू ऐसे ज्यादा दूर नहीं है, बगल ही में। एक तो मेरी गाड़ी में कोई वेपन नहीं है, प्लस ये वाली गाड़ी से ना आई थिंक मैं शॉटगन भी नहीं चला सकता, क्योंकि इसका विंडो पता नहीं कैसा है जिसमें से हाथ निकाल के शॉटगन नहीं चलाता है मैक्स, जबकि खुला ही हुआ विंडो है। लेकिन ठीक है, जो भी है, फटाफट भागते भाई, अब भागने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अगर ये गाड़ी भी डिस्ट्रॉय हो गई तो पैदल जाना होगा। शिप सामने ही नजर आ रहा है, उसी के अंदर क्या रहे जा रहे, जाने देना यार। गन भी निकलती नहीं बाहर, मैं ट्राई कर रहा हूं लेकिन नहीं, इससे गोली नहीं मार सकते ये वाली कार से। सारा मेहनत मुझसे करवाया और गाड़ी खुद के लिए रख ली, सारी मेहनत करूं मैं और मजे ले यू। चंबू मैक्स आ गया है, गाड़ी वापस कर दे चुपचाप, तो जिंदा तो रहने ही दूंगा, एटलीस्ट दो तीन पंच मारूंगा। मेरी गाड़ी मिल गई, यही है ना गाड़ी, तो यही है। चंबू कहाँ है? अरे You came for me. You came for me. I should kill you for this. Hail the champ! The ruination of Stankum, they said. The one who thieved my big block and my concubine. Not to mention the one who ran a saw blade into Lord Scabrous Scrotus's very brain bag. As if cutting dead stump. Saw your ride. Followed it here. We all followed it here. Found your monkey. And that monkey was made to sing. About you. A woman. A child. A whole little family. तो चंबू को स्टैंक गम और उसके आदमियों ने पीटा है। चलो उसको पहले पीटा जाए, उसके बाद बात करेंगे। I don't touch it. Always added by the artist. Oh, and there's a surprise for you. I'll tell you this, my blade peels away the first layer of your skin. What are you talking about? What is this done? तो चंबू को जब पड़ी ना इन लोगों से, तो मैक्स के बारे में सब कुछ बता दिया कि मैक्स एक लड़की की मदद कर रहा है और उसकी बेटी की यानी होप और ग्लोरी के बारे में, और अब स्क्रैपर हो सकते हैं इस चीज का फायदा उठाएगा। चलो सुखड़े आ जाओ।
इसको गोली मार के कोई फायदा नहीं, ये डॉच कर देता है। तो चंपू तूने होप और ग्लोरी के बारे में बता के लोगों को गलत किया, अभी फिलहाल मुंह बंद रख, पहले इसको मार देते मेरे को। फ्यूरी आने के बाद सामने कितना भी तगड़ा बॉस हो भाई, गॉड ऑफ वॉर के क्रेटोस याद है ना, तो ये फ्यूरी हर किसी के ऊपर काम करता है और इसका कोई तोड़ नहीं है। Lord Scrotus was here. He heard that monkey song and he dug it about a little family. A woman and a child, a dog. Lord Scrotus gonna hurt you more than you could ever hurt me. He's there right now, killing him slow. In all sorts of tasty ways. Catch the shot. Stank up का तो गेम बचा दिया, लेकिन अब स्क्रोटस को रोकना होगा। That I took it upon myself to bring her back to her birthplace. My angel, the magnum of... तो मैक्स जब यहाँ आया, देखा कि ये चंबकट पिटा हुआ, इसके ऊपर गुस्सा हो रहा था कि इस चीज के लिए मुझे तुम्हें मार देना चाहिए, तो ये स्टैंग अब बताने लगे किसकी गाड़ी को फॉलो करते हुए हम लोग सब आ गए, और यहाँ पर स्क्रोटस भी था, और जब हमने इसको मारा तो इसने सब बता दिया वो ग्लोरी और होप के बारे में, और अब उनको मारने जा रहा है स्क्रोटस, तो उनको बचाना होगा। What could I possibly do? You meant to take her from me. You meant to plant your petrol tanks back here. So? Where would Tomucket be? What's my place? It doesn't matter anymore. देख लिया ना, यहाँ पर पेट्रोल टैंक लगाने वाला था, इसलिए चंपू ने धोखा दिया और ये गाड़ी ले गया, और गाड़ी ले गया उस चीज को उतना गुस्सा नहीं है मैक्स को, ग्लोरी और होप के बारे में क्यों बताया? I should have trusted you. I'm sorry. It's my sorry. अब ये चंप सॉरी बोले जा रहा है, तेरे सॉरी का चार डालेगा मैक्स, बस उम्मीद करके हो पर ग्लोरी को कुछ नहीं हुआ हो, वरना मैक्स तेरे को पीट देगा। तो ये चंप बावला था ये तो पता ही था, लेकिन ये मैग्नम ओपस के लिए डर रहा था कि मैक्स इसको इससे छीन के ले जाएगा। अरे तो तू मैक्स ही के लिए बना रहा था ना ये गाड़ी, ये अपने लिए बना रहा था। ये बिल्कुल ठीक कर रहा है मैक्स, इसको गुस्सा दिखा के कोई फायदा नहीं, इसे बात ही नहीं कर रहा है, अब बात ही नहीं कर रहा है इससे जब तक ग्लोरी और होप को बचा नहीं लेते। पूरे रास्ते पर ये ट्राई करते रहा मैक्स से बात करने की, लेकिन पूरे रास्ते पर मैक्स ने इससे बात किया नहीं, और ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए टीम फ्राय के यहाँ। और जब तेरी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, ग्लोरी और होप को कुछ हुआ होगा ना, मैक्स तेरे को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तू मेरी मदद कर रहा है, लेकिन तू ये गाड़ी बना रहा था अपना सपना पूरा करने के लिए। बताओ ये बचाने भी मना कर रहा था, स्क्रोटस यहाँ पे आ चुका है। Nobody will remember my name. Yes, they will. Yes, they will. I'll remember. I promise you. No. No, no, no. What a family! Lord Scrotus likes to take his time! मैक्स ने एक और परिवार खो दिया है इस चंप की वजह से, स्क्रोटस ने मार दिया इन लोगों को। I want you to paint my name in their blood across the land. Where is he? Burn to your veins. Where is he? Where is he?
गेम मुझे नहीं लग रहा था कि इतना ज्यादा इमोशनल होगा, लेकिन लास्ट लास्ट आते आते तक गेम ने झंझोड़ के रख दिया है। अब चम का मैं क्या करूं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। इसी की वजह से ऐसा हुआ है, स्क्रोटस को अगर ये बताता नहीं तो उसको कभी नहीं पता चलता। होप और ग्लोरी दोनों को मार दिया। He murdered them. Scrotus. Oh, we'll have his blood. तो मैक्स ने भी बोल दिया कि उनका खून क्या है स्क्रोटस ने, और उसका खून अब मैं करूंगा। I must find him. And end him. Where is he? Nobody knows where he goes. Not Saint. Only his war boys know his patterns. His zigzags and desperate unholy mutations. तो स्क्रोटस को ढूंढ के उसको मारना तो है, लेकिन वो है कहाँ? Blood bag upside down in organic mechanics. He called him some scamp. Was a war boy, he said. Was with Scrotus. He said so. Yeah, he'll know. And he will tell me. ये चम बता रहा है कि स्क्रोटस किसी वॉर बॉयज जानते हैं कि स्क्रोटस का पैटर्न कहाँ है और वो कहाँ रहता है। तो अभी कुछ देर पहले याद है, एक आदमी का खून दिलवा रहा था मैक्स को बचाने के लिए, तो वो भी एक टाइम पे वॉर बॉय था, तो वो स्क्रोटस का पैटर्न जानता होगा, उसको पता होगा। और मैक्स गुस्से में बोल रहा है कि वो तो मुझे बताएगा, और नहीं बताएगा तो मैक्स उसके क्या हल करेगा, जान रहे हो ना। जब अगर तू गाड़ी लेकर नहीं भागता तो ये सब नहीं होता, गैस स्टेशन जाना होगा अपने को। तो जो काम स्टार्टिंग में अधूरा छोड़ दिया था मैक्स ने, इसके सर में आरी डाला, लेकिन ये मरा नहीं ना, अब वो काम को पूरा करने का टाइम आ गया है, होप और ग्लोरी के लिए। और उसके बिना मैक्स प्लेन ऑफ साइलेंस पे जाने वाला है नहीं। तो पहले इस स्क्रोटस को मारेंगे, उसके बाद चम बकेट को लात मार के निकालेंगे और अपनी गाड़ी लेके जाएंगे प्लेन ऑफ साइलेंस में। ये पूरा गेम स्टार्टिंग से एक्शन 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 था, इमोशन उतना कहीं भी नहीं था, लेकिन लास्ट में आकर गेम इतना अच्छा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। भाई बहुत सही स्टोरी बनाई यार इसकी। मुझे लग रहा था सिर्फ एक्शन फिल्म कैसी होती है कि टोटल एक्शन एक्शन और मूवी खत्म, लेकिन ये ऐसा नहीं है। गेम ने भी वार्निंग दे दी है कि फाइनल फाइट है, तो कार और मैक्स को जितना अपग्रेड कर सको अभी कर लो। तो आ जाओ फटाफट अपग्रेड कर लेते हैं, क्योंकि ये फाइनल मिशन है। तो हालांकि अलग अलग फेस पेंट ये सब अनलॉक हो गए हैं, लेकिन ये फाइनल मिशन है, तो अब कुछ नहीं, अब जो जैसा स्टार्टिंग में था मैक्स वैसे ही रखेंगे। बस हाँ, जो भी हाथ वात का अपग्रेड है, कपड़े वपड़े, वो सब चेंज कर लेंगे। गाड़ी तो आई थिंक कि अच्छी खासी अपग्रेडेड ही है, और जो इंजन को मैं अपग्रेड करना चाह रहा हूँ उसके लिए उतने स्क्रैप्स है नहीं। चलो ठीक है, इतने में मैं एंड कर लूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, सही है। Where's Scrotus? Scrotus? I will tell you where to find him. Your fame walks on its own, and your shadow has grown, and my blood has fueled legend. Scrotus is settled on roadside of the Purgatory Flatlands. Too weak, he said. A spent shell! Bring his corpus gratis to the organic mechanic and let the blood serve! Now my blood returns for you, Scrotus! Now my blood returns! तो ये स्क्रोटस का आदमी ऐसे ही गुस्सा था स्क्रोटस के ऊपर, क्योंकि इसको ये कैद करके इसका खून दूसरे लोगों को दिलवाता था, इसलिए इसने इसका पता बता दिया है। अब स्क्रोटस को इतना मारेंगे ना, अब दर्द को भी दर्द हो जाएगा इसकी मार देखकर। मुंह बंद रख जब, वरना भी गाड़ी से कूदा दूंगा नीचे। तो पहले स्क्रोटस के लोगों को मारना होगा, फिर उस पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। Keep my name in their blood. Keep
ग्लोरी की आवाज मैक्स को अपने दिमाग में सुनाई दे रही है कि इनके फोन से मेरा नाम लिखो, मतलब उसका बदला लेना है, वो तो ऑब्वियसली लेंगे। होप की भी आवाज सुनाई दे रही है कि तुम यही तो करना जानते हो, सिर्फ मारना जानते हो, तो इन लोगों को मारो। तो ये सब आवाजें मैक्स को सुनाई दे रही है, होप की आवाज सुनाई दे रही है कि जैसे इसने हमारी जिंदगी छीन ली वैसी इसकी जिंदगी तुम छीन लो, यानी स्क्रोटस। Do it. The only thing you know how. Kill. Kill him. तो चार पांच गाड़ियां इसकी अभी भी है, जब तक इन लोगों को नहीं मार लेते तब तक स्क्रोटस पे हमला नहीं कर सकते। स्क्रोटस आज काम अधूरा नहीं छोड़ेगा मैक्स, बस बस तेरा नंबर आएगा, पहले तेरे लोगों को ठिकाने लगा दूंगा। इसकी गाड़ी को ना स्क्रोटस के ट्रक के नीचे ले जा। हाँ सही है, बंद रख और काम ज्यादा कर। इनके पीछे ही रहूं ना तो ज्यादा सही है, ऐसे एक गाड़ी तो बस ऑलमोस्ट फटने ही वाली है। वैसे इनको खाई के नीचे भी गिरा सकता हूँ लेकिन थोड़ा रिस्की है, क्योंकि मैं नीचे चला गया तो पता नहीं शायद मिशन फेल हो जाएगा, क्योंकि पीछे भी तो चला जाऊंगा ना इनसे। मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज है चम, जल्दी से रिपेयर कर क्योंकि इनका कारवां आगे निकल गया तो दिक्कत है। अच्छा देख लो, भली मैं बोल भी रहा हूं इसको रिपेयर करने के लिए लेकिन मैक्स इससे बात नहीं कर रहा है। लो वार्निंग भी आने लगी, जल्दी से अब इनके पीछे जाना होगा वरना मिशन फेल हो जाएगा। स्टार्टिंग से करने का कोई मूड नहीं है मेरा, फिर सब गाड़ियों को उड़ाना पड़ेगा। ना ना ना, ये स्क्रोटस इतना बड़ा गुंडा बंदा था आज भागे ही जा रहा है। देख तो लिया ही है ना कि यहाँ पर मैक्स आया हुआ है लेकिन रुक के फाइट नहीं कर रहा है, जबकि खोजते चल रहा था मैक्स को। अब गेम के एंड में देख रहे हो, अब मैक्स खोज रहा है इसको और मैक्स इसका शिकार कर रहा है। इसके लोगों की जो गाड़ियां है ना वो उतना पलट के वार नहीं कर रही क्योंकि उनको रखा है स्क्रोटस ने अपने आप को बचाने के लिए, तो इसलिए कुछ भी करके ये लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। बस बस इसकी दो गाड़ी और बच गई है और खुद एक ये बचा है, बाकी दोनों दो नीचे खाई में गई, एक मेरे पीछे और एक का आर्मर लगा हुआ है लेवल 2 का, ना लेवल 2 का आर्मर। हाँ बस टूटने ही, अरे नहीं एक और गाड़ी है, यानी कि तीन और बची हुई इसकी गाड़ियां।
साथ मैं भी इतने गुस्से में हूं ना कि अपनी कार की हेल्थ देख ही नहीं रहा हूँ। जल्दी रिपेयर कर, थोड़ा जल्दी कर, आधी हेल्थ में जाना होगा क्योंकि वार्निंग बस अब लिखाने ही वाला है। इतनी हेल्थ भी इनके लिए काफी है, एक बार और रिपेयर करवा लेंगे टाइम मिलेगा तो, लेकिन फिलहाल उसके आगे चलते हैं। तो ड्राइवरी को निकाल लिया तो सिर्फ दो गाड़ियां और बची हैं, जिसमें से एक जस्ट पीछे ही है। तो उस कार के भी ड्राइवर को निकाल लिया तो अब खत्म, बस एक गाड़ी और बच गई जिसमें लेवल 2 गार्मर है। एक काम करते हैं ना, गाड़ी को आखिरी बार रिपेयर करवा ही लेते हैं, फिर हो सकता है स्कूटर्स के ट्रक के साथ फाइट होगा, टाइम नहीं मिलेगा। जल्दी कर, काफी क्योंकि ऐसे भी जो इसके साथ गाड़ी लगी वो अटैक तो कर ही नहीं है, बस मुझे वो ट्रक के नीचे नहीं आना है। इसमें आर्मर लगवा ना, इस चीज को मैं ठोक भी रहा हूँ तो इसका आर्मर तो डाउन हो रहा है, साथ ही साथ मेरी हेल्थ भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। कोई नहीं, तो इसका आर्मर तोड़ने में मेरी हेल्थ चली गई है गाड़ी, इतना मैं मैनेज कर लेंगे। आई थिंक ये मैनेज करना ही पड़ेगा किसी तरह, देखते हैं अगर एक बार और टाइम मिलेगा ना तो रिपेयर करवा लेंगे। बल्कि मुझसे लड़ते रहता ना तो उसको मारना आसान रहता, ये लड़ ही नहीं रहा, ये भाग ही जा रहा है आगे आगे। लड़ता रहता तो मेरे साथ साथ रहता या मुझ पे अटैक करने की कोशिश करता, तब इसको मार लेता मैं और जल्दी। कोई नहीं, ये आसान है, बस टाइम ले रहा है। साइड से स्लिप करके मेरी गाड़ी निकल गई, वरना इसको खाई में मैं गिराने ही वाला था। अरे लड़ता ही नहीं ये, देख रहे हो भागे जा रहा है। हम उसके ड्राइवर को निकालना था, टायर पे मार दिया। अच्छा कोई नहीं, चलो इस बार ही उसके ड्राइवर को निकाल लेंगे।
one final stroke! Fuel tanks on the sides! A weak spot if ever there was one! तो फाइनली अब बारी स्क्रूटर्स की, इसके फ्यूल टैंक को एक्सपोज, साइड में जो आर्मर लगा हुआ है ना उसको निकालना होगा ताकि इसका टैंक निकल जाए और उसके बाद उसको उड़ा सकते हैं गोली से। तो शॉटगन से उड़ाना है लेकिन शॉटगन में तो गोली नहीं, क्या किया जाए भाई, हार्पून में भी नहीं है ओके, शॉटगन में जीरो गोलियां, ये चम वो चम ने गोलियां दे दी, चम ने तीन गोली दी है, चलो तीन गोली काफी है। तो एक साइड का टैंक उड़ा दिया है लेकिन अभी एक साइड को और बचा हुआ है, उसको उड़ा दिया, इसका ट्रक डिस्ट्रॉय होगा, फिर ये नीचे जैसी उतरा इतना पीटूंगा ना इसको। तो आ रही है पारे, मेरी गाड़ी भी अब तब पे ही है। हाई में लटका हुआ और एक आखिरी चांस मिला उसको मारने का, लेकिन ये चम उतरने के लिए गाड़ी से तैयार नहीं है, बोल रहा है कि मैं इस गाड़ी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपनी आखिरी सांस ले लूंगा लेकिन ये गाड़ी को तबाह नहीं होने दूंगा, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है चम, ऐसे भी तेरी वजह से होप और ग्लोरी मरी है, अभी भी चांस है, हट जा। मर गया, मैग्नम ओपस भी नीचे चली गई और ये भी गया, ओ ये स्क्रूटस अभी भी जिंदा है, अच्छा ही है, इसको हाथ से मारने में ज्यादा मजा आएगा। तो स्क्रूटस अपने को मुन्ना भैया समझ रहा है, सोच रहा है कि अमर है लेकिन तू मुन्ना भैया नहीं है, चला जा। ये मैक्सी कार इसने तोड़ी दी थी, ये मैक्सी कार को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया है, अब इसको मारना और अपनी गाड़ी वापस छीननी है। इसको गाड़ी से उतारूं कैसे मैं, पहले तो ये देखना होगा। Hear me, kill him, for her sake, the angel. तो चम की भी आवाज सुनाई दे रही है कि मेरा भी बदला लो और मैग्नम ओपस को भी बदला लो, लेकिन कैसे, ओ मिलिया मिलिया। ये बॉम वाले स्टिक इसकी जान लेंगे। You created him, made him what he is, and he is a murderer. I decide who lives and dies. तो ग्लोरी की आवाज मैक्स को सुनाई दे रही है कि तुमने ही इसको ऐसा बनाया है, ये खूनी है और इसका खात्मा भी अब तुम्हें ही को करना होगा। स्क्रोटस चिल्ला रहा है कि ये मेरी जमीन है, मैं तय करूंगा कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा। Do it. The only thing you know how. Kill. Kill him.
क्या गोल गोल घूमे जा रहा है, चला। The thunder. Make him pay. बस बस एक स्टिक और सही से लग जाए। Husband, father, kill him. End his life. बस अब लास्ट ही होप और ग्लोरी के लिए। स्क्रोटस तेरी मौत तूने उसी दिन लिख ली थी जब तूने मैक्स का रास्ता रोका था। खत्म किया जाए अब। यही मैक्स की वाइफ और बेटी। जिस कार से स्टार्ट किया था उसी कार पे वापस आ गए। लेन ऑफ साइलेंस के लिए निकल पड़ा मैक्स। तो फिल्म फैमिली इसी के साथ मैड मैक्स का सफर यहां पर होता है खत्म। लेकिन मैक्स की जर्नी यहां पे खत्म नहीं हुई है, पर इसका पार्ट टू कभी आया नहीं। तो पार्ट टू आ सकता था क्योंकि प्लेन ऑफ साइलेंस में मैक्स को जाते हुए देखा नहीं, तो हो सकता है कि रास्ते में और कोई डिफिकल्टी मिलती। लेकिन पता नहीं डेवलपर्स ने इस गेम का पार्ट टू नहीं बनाया क्योंकि शायद ज्यादा बिका नहीं होगा। पर मुझे बहुत अच्छा लगा, लास्ट तक कहानी भी बहुत अच्छी हो गई थी और गेम प्ले भी काफी यूनिक टाइप का था, तो मजेदार गेम था। और जैसा मैं बोलता हूं हमेशा कि एक कहानी खत्म होती है फेल गेम 2.0 पे तो दूसरी कहानी स्टार्ट होती है, वैसे जब तक दूसरी कहानी स्टार्ट नहीं होती तो आप बहुत सारे गेम्स देख सकते हो। और आज का गेम देखकर मुझे याद आया कि द लास्ट ऑफ अस जिसने नहीं देखा है आप देख सकते हो, बहुत अच्छी कहानी है और इमोशनल भी है और ज़ॉम्बीज तो है ही उसमें, लेकिन उसकी कहानी ग्राफिक्स ये सब बहुत अच्छे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आया वो देख सकते हो आप। रेड डेड रिडेम्पशन 2 तो आई थिंक ज्यादातर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पर नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हो। और सिर्फ अगर आपको ज़ॉम्बी वाला गेम देखना है और थोड़ा बाइक वाइक भी देखना है तो आप डेज गॉन देख सकते हो। तो चलिए मैं मिलता हूं नई कहानी के साथ और नेक्स्ट गेम प्ले में। और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा कल या परसों। टाटा।